बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने कई बातें कही। वो क्या क्या बातें कही जरा सुनिए आप। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने सुनवाई की और दौरान कहा कि आप अगली तारीख तक कोर्ट की परमिशन के बिना, कोर्ट की इजाजत के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया और कहा कि एक सिर्फ धारणा बनाई जा रही है कि ऐसे बिना किसी सबूत के, बिना किसी ग्राउंड के तोड़फोड़ हो रही है। कोर्ट ने कहा, इस पर साफ कर दिया कि बाहरी शोर का कोर्ट के अंदर कोई प्रभाव नहीं है। तुषार मेहता ने दलील में कहा कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि धर्म विशेष के तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है, तो कोर्ट ने कहा कि अभी हमारा मकसद डिमोलिशन की कार्रवाई को व्यवस्थित करना ही है। तो तुषार मेहता ने फिर दलील दे दी कि जिन पर कार्रवाई की गई वो तो कोर्ट आई नहीं, उनको पता है कि निर्माण अवैध है। और उसके साथ ही तुषार मेहता ने दलील दी कि मध्य प्रदेश का एक मामला जहां 70 दुकानों को गिराया गया, इन 70 में से 50 दुकानें हिंदुओं की थी। इस सुनवाई के दौरान और भी कई तरह की दलील दी गई, इसके मायने क्या है इस रिपोर्ट में जरा देखिए। आ गया सुप्रीम आदेश, बुलडोजर पर लग गया ब्रेक। यूपी एमपी राजस्थान, बुलडोजर चालक सावधान। 1 अक्टूबर तक नो डिमोलिशन, नो बुलडोजर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान साफ साफ आदेश दे दिया है कि 1 अक्टूबर तक किसी भी आरोपी के घर पर पीले पंजे के वार से पहले कोर्ट से पूछना जरूरी। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान यह साफ कर दिया कि सार्वजनिक रोड, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसके अलावा किसी भी और केस में कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट ने यह भी बोल दिया लास्टली कि तब तक के लिए आप बीच में कोई भी बुलडोजर्स नहीं चलाएंगे और साथ में यदि आपको कुछ ऐसी नेसेसिटी आप पड़ती है तो आप हमसे परमिशन लेंगे। यानी साफ है कि अगले 13 दिन अब बुलडोजर पर ब्रेक तो लग गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई सवाल उठाए गए। केंद्र सरकार की तरफ से दलील देते वक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस सुनवाई को लेकर नैरेटिव बनाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि नैरेटिव सेट कौन कर रहा है, किसके खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है और इसका फायदा किसे होगा। जब मुल्क का एक निजाम है और कोर्ट है इस किसी फैसले को कानूनी एतबार से करने के लिए, तो गवर्नमेंट को उस कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए बल्कि कोर्ट ही में जाना चाहिए। कोर्ट अगर कह देगी हाँ ये सही है, हमें क्या उसके अंदर हो सकता। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम सुनवाई के बाद देश भर में राजनीति भी खूब हुई। एक तरफ जहां विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद गदगद है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष की नियत पर सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। उच्चतम न्यायालय का हम लोग पूर्णतः आदर सम्मान करते हैं, उनकी गाइडलाइन से चलेंगे, लेकिन अपराधियों ये विचार न करें कि वो बच गए। अपराधी बचने वाले नहीं है, वो किसी भी रूप के हों, किसी भी प्रकार के जिहादी हों, उनका समय और रूप उपाय होगा। सुनवाई के दौरान जिस नैरेटिव को लेकर बात हो रही थी उसे लेकर जी मीडिया ने ग्राउंड पर जाकर लोगों की राय ली। सुनिए पीले पंजे वाले एक्शन को लेकर लोग क्या सोचते हैं। चलना चाहिए बुलडोजर, इससे क्या होगा, आरओपी डर के मारे कोई क्राइम नहीं करेंगे। बुलडोजर की कार्रवाई तो होनी चाहिए, पर अपराधी पे होनी चाहिए, उसके पूरे परिवार को उसके कार्रवाई होनी चाहिए। जब बुलडोजर चलते थे अपराधियों के घरों पर या अपराधियों के खिलाफ, तो एक क्राइम कम हुआ था। मैं कहता बेकसूर जो होगा उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बेकसूरों पर नहीं चलना, नहीं चलना चाहिए। अभी तक बेकसूरों पर चल रहा था, अभी तक चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने पर रोक तो लगा दी, लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह होगा कैसे, आखिर यह कैसे तय किया जाएगा कि किस अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना है और किस पर नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल करना चाहता है कि अब्यूज और मिसयूज लॉ का अथॉरिटीज के द्वारा, गवर्नेंस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना चाहिए।
बता दें कि शहर शहर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दायर की थी, जिसमें यूपी से लेकर एमपी तक आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराने पर एतराज जताया गया। फिलहाल अब इंतजार 1 अक्टूबर का है, जब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ अरविंद सिंह, दिल्ली, जी न्यूज़।